हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको यूके में काम करना है तो आप यूके कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से वीज़ा हैं, कैटेगरीज़ हैं वीज़ा की जो लेकर आप यूके प्रस्थान कर सकते हैं, वहां जाकर जॉब कर सकते हैं और बाद में नागरिकता भी पा सकते हैं वहाँ की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आइए इस वीडियो में ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले तो बता दूँ, ऑफिशियल साइट है www.gov.uk। हमेशा फ्रेंड्स ऑफिशियल साइट से इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, देखिए आइए आते हैं। अब देखिए, फाइंड द राइट वर्क वीज़ा, अगर आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सा वीज़ा सही है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है चेक इफ़ यू नीड अ यूके वीज़ा। देखिए, अगर आप यूके जाना चाहते हैं काम करने के लिए तो आपको वर्क वीज़ा 100% चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए पॉपुलर कौन कौन से हैं। सबसे पॉपुलर जो वर्क वीज़ा कैटेगरी है हम देखेंगे, आइए देखते हैं। ये देखिए, हेल्थ एंड केयर है, स्किल्ड वर्कर है। ठीक है, ये दोनों सबसे पॉपुलर चल रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं, हेल्थ एंड केयर, स्किल्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हेल्थ एंड केयर वर्क वीज़ा में अटेंडेंट का भी जो जॉब है वो भी इसी में आता है। अटेंडेंट मतलब क्या हो गया, समझ लीजिए यूके में किसी के पेरेंट्स हैं जो बेचारे चल फिर नहीं सकते, जो बेड रिडन हैं, बिस्तर पर हैं, तो उनका देखभाल करने के लिए इंडिया से अगर समझ लीजिए आप अटेंडेंट बन के जाते हैं तब भी वो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा में आता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पास MBBS की डिग्री नहीं है, नर्सिंग की डिग्री नहीं है, तो हम हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर इंडिया में एक अटेंडेंट की कहीं भी किसी घर में भी जाकर आपने समझ लीजिए काम किया है, तो आप उस घर के ओनर से लिखवा सकते हैं कि मैंने इनके लिए काम किया है, इनके पिता के लिए, माँ के लिए काम किया है, जिसके लिए भी किया है, वो अगर उसको साइन करके दे दें तो वो भी एक तरह से काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख सकते हैं, हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा हो गया। उसके बाद है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। फ्रेंड, अगर आप समझ लीजिए किसी भी स्किल्ड में आप काम कर रहे हैं, कोई भी आपका अच्छा स्किल है, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नीचे आते हैं फ्रेंड्स, वीज़ाज़ यू कैन अप्लाई फॉर विदाउट अ जॉब ऑफर। अभी समझ लीजिए आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं है, कौन कौन सा कर सकते हैं आप, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा, यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, जो भी हमारे यंग लोग हैं, जो भी ग्रेजुएट हो रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। अप्लाई फॉर द ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, ये भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। यूके एंसेस्ट्री वीज़ा है, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल, आप देख सकते हैं ये सब है। इसके लिए आपको कोई भी स्पॉन्सर या जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि मैं किस पे बनाऊँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से वीज़ा कैटेगरी पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के पूरा बताऊंगा। अब देखिए, वर्क इन द यूके फॉर योर ओवरसीज एम्प्लॉयर, ये है देखिए, सीनियर स्पेशलिस्ट वर्कर वीज़ा है, ओवरसीज डोमेस्टिक वर्कर्स ग्रेजुएट ट्रेनिंग वीज़ा, क्या है मैं किस कैटेगरी, वर्क इन द यूके फॉर योर ओवरसीज एम्प्लॉयर, मतलब यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेशन देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इतने सारे वीज़ा हैं। टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा कौन से हैं, सीजनल वर्कर वीज़ा हो गया, गवर्नमेंट ऑथराइज एक्सचेंज वीज़ा है, क्रिएटिव वर्कर वीज़ा है, रिलीजियस वर्कर वीज़ा है, चैरिटी वर्कर वीज़ा है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट वीज़ा है। बिज़नेस अगर आपको शुरू करना है, समझ लीजिए आप क्या पैसा है, आप फंड करना चाहते हैं यूके में, स्टार्टअप वीज़ा है, इनोवेटर फाउंडर वीज़ा है। और कौन से वीज़ा है, देखिए ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन, स्केल अप, फ्रंटियर वर्कर गेट एन एग्जाम, ये थी है। उसके बाद देखिए, वर्क वीज़ा देट आर क्लोज टू न्यू एप्लीकेंट्स, ये बंद हो चुके हैं तो उस पर ध्यान नहीं देंगे हम। राइट टू वर्क चेक्स, ये देखिए स्पॉन्सर्स एंड स्पॉन्सरशिप, देखिए ये देखिए इम्प्लॉयज़ के लिए है, यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये इतने सारे वीज़ाज हैं, आप देखिए फ्रेंड्स इतना दरवाजे इतने सारे हैं यूके जाने के लिए। फ्रेंड्स सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत क्या करनी है, थोड़ा सा पढ़ना है आपको, पढ़ना है, सब कुछ ऑनलाइन है फ्रेंड्स। देखिए gov.uk पे आइए, मैं आपके सामने खोल के बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल आपने इस पर क्लिक कर दिया स्किल्ड वर्कर पर, ये ऑटोमेटिकली आपको साइट पर ले जाएगा। ये देखिए, अभी ये देखिए उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप मतलब इतना सोचिए मत, सीधा अप्लाई करिए जॉब के लिए, और अगर वहाँ से स्पॉन्सर मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो बिना स्पॉन्सर वाला वीज़ा भी है। ठीक है, कोई डाउट है फ्रेंड्स, अपने भाई से पूछिए, आपका भाई आपकी पूरी सहायता करेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ेंगे तो जानकार बनेंगे, जानकार बनेंगे तो जिस भी कंट्री में जाएंगे हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।